बिनोमो में आपका स्वागत है। वित्तीय बाजारों में ट्रेड करें और अनुभव प्राप्त करें। $1,000 का मुफ्त डेमो खाता अभी आजमाएं। नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। T20 विश्व कप 2021 के 23वें मुकाबले में वेस्टइंडीज और बांग्लादेश की टीमें आमने सामने थी। शारजा क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में दोनों ही टीमों के लिए मैच करो या मरो का मुकाबला था। इस मुकाबले में बांग्लादेश की टीम ने टॉस जीता था और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। पहले बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज की शुरुआत बेहद खराब रही थी और 12 रन के स्कोर पर ही टीम को पहला झटका लग गया था। अब बता दें, इस मैच में क्रिस गेल को ओपनिंग की जिम्मेदारी दी गई थी और उम्मीद की जा रही थी कि वो कुछ करारे शॉट्स लगाकर टीम को अच्छी शुरुआत दिलाएंगे, लेकिन वो एक बार फिर इस T20 विश्व कप में नाकाम रहे और 10 गेंदों पर केवल 4 रन बनाकर पारी के 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर मेहंदी हसन का शिकार हो गए। मेहंदी हसन ने एक सीधी गेंद फेंकी थी जिसे क्रिस गेल भांपने में बुरी तरीके से चूक गए। वो गेंद को आगे पाकर बल्ला जोर से घुमा बैठे और डीप मिड विकेट के ऊपर एक बड़ा छक्का लगाना चाहते थे, लेकिन गेंद सीधे निकल गई और उनके लेग स्टंप और मिडिल स्टंप से जा टकराई। क्रिस गेल इसके बाद बेहद निराश नजर आए और मेहंदी हसन ने इस विकेट का जोरदार अंदाज में जश्न मनाया। आपको बता दें, इसके बाद तो लगातार वेस्टइंडीज के विकेट गिरते चले गए। 13 ओवर के खेल के बाद वेस्टइंडीज ने 4 विकेट गवा दिए थे सिर्फ 67 रन के स्कोर पर। आपको बता दें, इस T20 विश्व कप के अपने पहले मुकाबले में वेस्टइंडीज की टीम सिर्फ 55 रन पर ऑल आउट हो गई थी और इसके बाद दूसरे मुकाबले में भी टीम को करारी हार का सामना साउथ अफ्रीका के खिलाफ करना पड़ा था। अब अगर वेस्टइंडीज तीसरा मुकाबला भी हार जाती है तो डिफेंडिंग चैंपियन इस बार टॉप 4 में भी क्वालिफाई करने से चूकती हुई नजर आ रही है। बांग्लादेश के गेंदबाजों ने मैच में दमदार खेल दिखाया। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।